हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ भूमिका परमार फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। यस्टरडे वी हैड सीन द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5। टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो टाइटल क्या है सबसे पहले तो 6 वाले चैप्टर का, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो ट्राइंगल है और उसके बारे में एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया था, लेकिन उसका जो रिवीजन है वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल के पार्ट्स जो हैं वो कितने होते हैं। तो ट्रायंगल्स हैव 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स। 3 वर्टाइसेस आर हियर, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। साइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी। तो ये जो है वो तीनों साइड हैं एंड 3 एंगल्स ये वाले। तो ये जो है वो पार्ट्स हैं ट्राइंगल के। अब नेक्स्ट जो है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो है उसका मीडियन हम लोग किसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोगों के पास है अ लाइन सेगमेंट। ये जो है लाइन सेगमेंट है हम लोगों के पास, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट बी सी। अब इसका हम लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो सपोज हम लोग लेते हैं लाइन सेगमेंट बी सी। अब इसको हम लोगों को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल का जो एंगल क्रिएट करता हो लाइन सेगमेंट से। तो इस तरह से हम लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो एंड बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर यानी कि डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोगों के पास डी पॉइंट जो है वो ऐसा मिलता है जो लाइन सेगमेंट बीसी का 2 पार्ट्स में डिवीजन करता है। एंड ये जो लाइन है वो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बी सी को परपेंडिकुलर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हम लोगों को मिला। अब इसके ठीक ऑपोजिट वाली वर्टेक्स यानी कि इसके ऑपोजिट वाली वर्टेक्स हम लोगों के पास कौन सी हैं, पॉइंट ए। तो इससे हम लोग पॉइंट डी से हम लोग ए तक का जो है एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, हम लोगों के पास यहाँ ड्रॉ करके दिया गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। द लाइन सेगमेंट ए डी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स ए इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक मीडियन फाइंड किया। इस तरह से हम लोग जो है वो सारे के सारे लाइन सेगमेंट जो हैं, लाइन सेगमेंट बी सी का हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया, सेम वे हम लोग लाइन सेगमेंट ए बी का भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं एंड लाइन सेगमेंट ए सी का मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों जो मिलेंगे हम लोगों को वो हो गए मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर है मिलेगा एंड बाइसेक्टर भी हम लोगों को मिलेगा। सी से हम लोग ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स, तो वो जो है वो उसकी अपोजिट लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी, उससे हम लोग ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स सी को। ये जो है मैं प्रॉपरली नहीं ज्वाइन कर पाई, आप लोग जो है वो प्रॉपरली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है पॉइंट हम लोगों के पास, ये बाइसेक्टर भी है एंड परपेंडिकुलर भी है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड हम लोग किसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक एक्टिविटी जो है वो दी गई है कि आप लोग एक ट्रायंगल कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लीजिए एंड उस ट्रायंगल को ठीक से यहाँ पे आप लोग टेबल के ऊपर खड़ा कर दीजिए। नाउ उसकी जो हाइट है तो उस हाइट को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ये जो है वो परपेंडिकुलर होगी। अब अल्टीट्यूड एंड मीडियन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि अल्टीट्यूड जो है वो सिर्फ परपेंडिकुलर होता है जबकि मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर भी होता है एंड बाइसेक्टर भी होता है। अब मीडियन का आप लोग नेम देख ले तो मीडियन यानी कि मिड से डिवाइड करता हो उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं।
तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग ये तो जानते हैं एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एंड ऑप्टस एंगल, ये हम लोग सब जानते हैं। एक्यूट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसके सारे के सारे एंगल्स जो है उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो। तो जिस जो सारे के सारे एंगल हैं उन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट, किसी भी एंगल का मेजर जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड। नेक्स्ट है राइट एंगल, तो राइट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिस ट्राइंगल में एक कॉर्नर जो है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड। एक्यूट एंगल में सारे के सारे एंगल हम लोगों को लेने हैं जो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, जबकि राइट एंगल एंड ऑप्टस एंगल ये दोनों ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल जो है उसका हम लोग अकॉर्डिंग नेम जो है वो देते हैं। जैसे यहाँ पे राइट एंगल जो है तो कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ऑप्टस एंगल के लिए कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल जो है उसके एक्सटीरियर एंगल्स हम लोगों को किस तरह से मिलेंगे एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है एक्सटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल जो है उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो इज इक्वल टू द सम, वो जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का वो उसका जो मेजरमेंट है वो उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उसके सम के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी कि अगर हम लोग ये एंगल लें तो इसके इंटीरियर जो है अपोजिट इंटीरियर ये एंगल वन एंड एंगल टू जो है वो हम लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोगों के पास है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलते हैं, तो उसके लिए अगेन हम लोगों ने ये जो एक्टिविटी थी वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो प्रॉपर्टी मिलती है वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स, ये जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का जो सम है उसके मेजरमेंट का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी है एंगल सम वाली। नेक्स्ट में हम लोगों के पास है टू स्पेशल ट्राइंगल्स। कौन से वाले ट्राइंगल्स हैं, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दूसरा जो है वो है आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हम लोगों के पास क्या है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन है। इसको भी अगेन आप लोग जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए, वन मार्क्स क्वेश्चंस या तो फिर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ ट्राइंगल विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड ब्लैंक। फिर उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए आइसोस्केलस, ऑप्शन बी इक्विलेटरल। इस तरह से ये जो है हम लोगों को ऑप्शंस में भी पूछा जा सकता है। तो किसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसकी तीनों की तीनों जो साइड है, ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं तीन साइड्स आती हैं, तो तीनों के तीनों साइड्स जो हैं उनका मेजरमेंट जो है वो सेम आता हो,
इक्वल आता हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेम वे हम लोगों के पास है आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो उसके प्रॉपर्टी हम लोगों के पास उसकी जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ट्राइंगल हम लोग लें तो उस ट्राइंगल में टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विलेटरल में सारी की सारी साइड्स का मेजरमेंट जो है वो इक्वल था, जबकि आइसोस्केलस ट्राइंगल जो है उसमें किसी भी दो साइड्स का मेजरमेंट जो है लेंथ जो है वो सेम होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो उसके हम लोगों के पास इससे हम लोग क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, टू साइड्स हैव सेम लेंथ, बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगेन इसके प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो क्या है आइसोस्केलस में कि जो दो साइड्स इक्वल हैं उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स। अब हम लोगों के पास यहाँ पे दो इक्वल साइड्स हैं तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला होगा एंड इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला होगा, तो इन दोनों के जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो भी सेम होंगे। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग ठीक से याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है सम्स या फिर क्वेश्चन कर जो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के उसमें आसानी होगी। ये जो था वो आइसोस्केलस का था, ठीक उसी के जैसा हम लोगों के पास है इक्विलेटरल के लिए, ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ ये हम लोग जानते हैं, सो ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। यहाँ पे आइसोस्केलस था तो उसमें जो दो साइड्स थी वो इक्वल लेंथ की थी, तो उनके सामने वाले जो एंगल थे वो इक्वल एंगल जो थे वो इक्वल मेजरमेंट के थे। अब यहाँ पे तो तीनों की तीनों साइड ही इक्वल हैं तो तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल ही हो गए। तो अगर हम लोग 180 को डिवाइड करते हैं 3 से, अभी अभी हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी का रिवीजन किया, उसमें क्या था कि ट्राइंगल के सारे एंगल जो हैं उसका मेजर जो है उसका सम जो है वो आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री जो है टोटल सम आता है। अब तीनों एंगल जो है वो सेम है, इक्वल है, मेजरमेंट जो है उनका सेम है, तो उनका अगर हम लोग सम करते हैं तो वो 180 डिग्री के डिवाइड बाय 3, सो मिलेगा हम लोगों को 60 डिग्री। नेक्स्ट है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स जो हैं उसकी लेंथ हम लोग लें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ द लेंथ यानी कि लेंथ जो है सारे के सारे जो ट्राइंगल हैं कोई भी, तो उसमें साइड्स जो हैं तो दो साइड का अगर हम लोग सम करें उसकी लेंथ जो है उसका हम लोग सम करें तो वो ऑलवेज तीसरी साइड जो है उससे ज़्यादा ही हम लोगों को मिलेगा। कोई भी अपनी इच्छा से दो साइड्स ले लीजिए आप लोग एंड ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज होल्ड होगी। किसी भी दो साइड का आप लोग सम कर लीजिए तो वो सम तीसरी साइड से ज्यादा ही आएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हम लोगों ने देखा था राइट एंगल के लिए आइसोस्केलस एंड देन वी हैड सीन इक्विलेटरल। नाउ हम लोग चलते हैं अगेन एंगल्स के लिए, तो हम लोगों के पास थे ऑप्टस एंगल एंड एक्यूट एंगल के लिए हम लोग प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल के लिए, तो उसके लिए स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड की गई है और वो फाइंड करने वाले मैथमेटिशियन जो है वो है पाइथागोरस। सो उन्हीं के नाम से ये जो प्रॉपर्टी है उनका नाम दे दिया गया है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है तो वो क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होती हैं। तो राइट एंगल है तो जो दो साइड्स जो है वो राइट एंगल बनाती है, यहाँ पे हम लोग देखें तो लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी, तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं वो राइट एंगल क्रिएट करती हैं। तो उसके सामने वाला जो एंगल है तीसरी जो साइड होती है सॉरी सामने वाला एंगल है तीसरी जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस एंड
ये जो साइड्स राइट एंगल बनाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेग्स। अब ये जो बेसिक आप लोगों को पता चल गया, तो अब हम लोग चलते हैं उसकी जो उसने जो प्रॉपर्टी दी थी। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। राइट एंगल्ड ट्राइंगल में स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो उसका जो स्क्वायर करते हैं, अब स्क्वायर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भेजा था, वन का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे करके वन से लेकर थर्टी तक के नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर मैंने आप लोगों को भेज दिया है नंबर्स के। तो अब आप लोगों को इक्वली पता है कि स्क्वायर हम लोग किसको बोलते हैं। तो द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है उस साइड का जो हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स, तो जो लेग्स होती हैं जो राइट एंगल बना रही हैं दो साइड्स, उनका हम लोग स्क्वायर करके फिर सम करते हैं तो उसके इक्वल होगी। अब स्क्वायर का मतलब अगेन हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोगों को टू का स्क्वायर फाइंड करना हो तो टू को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि टू इंटू टू। थ्री का स्क्वायर थ्री इंटू थ्री। फोर का स्क्वायर फोर इंटू फोर। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगेन एक जो है वो इम्पोर्टेंट नॉट जो हम लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी देती है वो क्या है। इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द राइट ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल्ड। तो अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती है, तो ट्राइंगल जिस ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो ट्राइंगल ऑलवेज राइट एंगल्ड ही होगा। अगेन आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी साइड्स के मेजरमेंट दे दिए गए हैं, लेंथ दे दी गई हो, एंड ये जो एंगल है वो राइट एंगल है या नहीं है, वो आप लोगों को पता करना हो। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो चेक करनी होगी, एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी चेक करने के बाद अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो जाती है, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो उसके दो लेग्स जो हैं राइट एंगल के उसके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोगों को पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये प्रूव होता है। अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो वो एंगल जो है, वो ट्राइंगल जो है, वो ऑलवेज राइट एंगल्ड ही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो था हम लोगों के पास चैप्टर नंबर सिक्स। अब यहाँ पे आप लोगों के पास है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस किया है, इसका ब्रीफ रिव्यू, इसका शॉर्ट नोट्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग ये एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये जो है वो चैप्टर सिक्स यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ चैप्टर वन टू एंड थ्री, तो उसका जो रिवीजन का वीडियो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, तो सेम वही वीडियो मैं आप लोगों को अगेन फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है चैप्टर वन टू एंड थ्री का भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। थैंक यू।